नमस्कार। तो मैं आपको बताने वाला हूँ साइकिल फिनिश के बारे में। दोस्तों, साइकिल फिनिश क्या है और इसका बेनिफिट क्या है और ये कैसे काम करता है, तो हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, साइकिल फिनिश क्या होता है, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले रोबोट को टीच मोड पर कर लेना है। अभी प्ले मोड पर है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं टीच मोड। दोस्तों, अभी मैंने टीच मोड पर कर लिया है रोबोट को। उसके बाद दोस्तों, अभी हमारा क्या है, ये मास्टर प्रोग्राम है। तो दोस्तों, मैं क्या मास्टर प्रोग्राम को ओपन कर लूँगा। तो ये हमारा एक डायरेक्ट ओपन का एक बटन रहता है दोस्तों, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। फिर दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ हमारा सेलेक्ट का बटन रहता है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो दोस्तों, हमें इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये प्रोग्राम जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप प्रोग्राम के लास्ट में जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर पल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ये पल्स 3 पड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ की इन्फोडेस्क की पड़ी हुई। तो दोस्तों, इसका यूज क्या रहता है, साइकिल फिनिश दोस्तों यही है और इसका यूज क्या रहता है, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, वापस जाना है। तो ये डायरेक्ट ओपन वाला, यहाँ देख रहे हैं आप, इंडिकेशन रेड रंग का जो ब्लिंक हो रहा है, तो इसे मैं दोबारा दबा लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मास्टर में कुछ इस तरह से एंटर है, यहाँ नीचे आपको दिख ही रहा होगा, ये तो हमारा प्रोग्राम का नेम है। यहाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा 3 और ऑन। तो दोस्तों, ये हमारे जो 3 है, ये है हमारी इनपुट और ऑन, ऑन के लिए बोलता है। जैसे 3 इनपुट ऑन होती है तो हमारा रोबोट क्या है, ये प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों, उसको ओपन कर देगा और ये रोबोट हमारा वर्क करने लगेगा। अब दोस्तों, ऑन ऑन इनपुट यहाँ से क्या है दोस्तों, यहाँ जो आपको ऑन दिख रहा है, ये आप जो देख सकते हैं, ऑन जो दिख रहा है दोस्तों, इससे क्या है, जैसे हम रोबोट को ऑपरेटर पैनल से कमांड देते हैं तो ये क्या है दोस्तों, हमारा ऑन हो जाएगा इनपुट। और इनपुट ऑन होते ही जो हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा ये प्रोग्राम है MWTPLR1F110। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम क्या है दोस्तों, हमारा रन हो जाएगा, कुछ इस तरह से खुल जाएगा। अभी हम डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं इसे, डायरेक्ट ओपन वाले बटन को दबा लेंगे, क्लिक कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हो गया, अब आप देख सकते हैं। अब आप जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, मैं आपको दोबारा बैक जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 नंबर इनपुट पड़ी हुई है। अब दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं, सेलेक्ट मार लेते हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, पल्स आउट और यहाँ सर दोस्तों, आप देख सकते हैं 3 पड़ा हुआ है और ये है टाइम। तो यहाँ आप टाइमर का यूज ये होता है दोस्तों, आप कितनी देर के बाद इनपुट को ऑफ कराना चाहते हैं, ऑन कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, पल्स का यूज हमारा ये होता है कि पल्स हमारी किसी भी इनपुट को ऑन और ऑफ करने में मदद करती है। तो उसको डाल देने से दोस्तों, हमारा बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, जो हमारे इनपुट ऑन होती है दोस्तों, जैसे हमने किसी को क्या किया, कमांड दी रोबोट को, तो इनपुट ऑन तो हो गई वहाँ से, पर ऑफ कराने के लिए क्या करना है दोस्तों, यहाँ हम पल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम पल्स का यूज़ कर देते हैं तो दोस्तों, हमारे जो इनपुट ऑन होती है ऑफ हो जाती है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, इसकी इनपुट ऑन हो जाएगी और रोबोट क्या है, बार बार वर्क करेगा, एक ही प्रोग्राम पे बार बार आएगा, एक ही जॉब पे बार बार काम करेगा अपना और जाएगा। तो दोस्तों, ये साइकिल फिनिश करने के लिए होता है, ताकि आपने जिस पार्ट पर कमांड दिया है, जिस जॉब के लिए कमांड दिया है आपने, उसका वर्क पूरा होने के बाद रोबोट जाकर होम पोजिशन में आराम से खड़ा हो जाए। आप दोस्तों यहाँ देख भी सकते हैं,
कि ये हमारे एयर पॉइंट हैं। उसके बाद दोस्तों ये काउंटर के लिए है, ये बेट है तो किसी ने ऑफ कर दिया है। यहाँ है ये पल्स पड़ा हुआ, तो ये पल्स कमांड फिनिश करने के लिए था। उसके बाद दोस्तों होम पड़ा है, कॉल ऑफ होम, तो होम इसलिए रहता है दोस्तों कि होम पर चलाया रोबोट, तो हमसे पहले ही हम इसका हमेशा यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। दोस्तों इसका यूज़ जरूर करते हैं, अगर इसका इसको अगर आपने यहाँ से, मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ, यह है दोस्तों डिलीट का एक बटन, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आप और इंटर करेंगे तो दोस्तों ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डिलीट कर दिया और ऐसे रहने दिया तब दोस्तों समझ लो खतरा है एकदम से। दोस्तों अगर आपने कमांड दे दी तो क्या है, आपका प्रोग्राम तो रन करेगा, रोबोट तो वर्क करेगा, बट ये क्या है बार बार करता रहेगा, साइकिल फिनिश नहीं होगी तो बार बार काम करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप जब भी कभी भी किसी भी प्रोग्राम को देखेंगे तो लास्ट में ये पल्स, तो दोस्तों ये पल्स ज़रूर होगी पड़ी हुई। तो पल्स का यूज़ दोस्तों इसलिए होता है ताकि हमारी साइकिल फिनिश हो जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो किस टॉपिक बताएँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।